थ्री फेस लोको में VCU रीसेट स्विच को इस्तेमाल करते हुए कोस्टिंग में लोको को कैसे क्लियर करना है, ये इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लोको एनर्जाइज है, 590 नोट आ चुका है, लोको चलने को तैयार है। अब अगर इसको चलाने के बाद कोई ट्रांजिएंट फॉल्ट किसी तरीके का आता है तो VCU रीसेट स्विच को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे लोको को कोस्टिंग में क्लियर करना है वो हमें ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम जब लोको चल रहा हो और कोई ऐसा फॉल्ट आए तो उस कंडीशन में डीजे ओपन हो जाएगा और हमें पेंटो को भी डाउन कर देना है ZPT स्विच के माध्यम से, और ब्रेक्स नहीं लगानी है। ब्रेक्स नहीं लगेंगी और कोस्टिंग में लोको क्लियर होता रहेगा और वापस से हमारा सिस्टम रिबूट हो जाएगा और लोको सामान्य होने हो सकता है VCU रीसेट स्विच को इस्तेमाल करने पर। अब जैसा हम देख पा रहे हैं, हम लोको को चलाने वाले हैं। चलाओ भाई लोको। ये लोको आप देख पा रहे हैं चल चुका है। चलाने के बाद अगर किसी तरह का ट्रांजिएंट फॉल्ट आएगा तो हम VCU रीसेट स्विच को इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये लगभग 10 की स्पीड आ चुकी है। ये देख सकते हैं आपके ये ट्रांजिएंट फॉल्ट आया। इसको करने के लिए सबसे पहले ZPT को ऑफ, ZPT से डाउन करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रेक्स नहीं लगाए हैं। VCU रीसेट स्विच को दबाकर और 3 सेकंड तक दबाकर रखना होता है और छोड़ देना होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा सिस्टम रिबूट हो रहा है, और लोको भी कोस्टिंग में क्लियर हो रहा है और हमारा BP पूरा बना हुआ है और ब्रेक्स अप्लाई नहीं करिए हैं, लोको कोस्टिंग में क्लियर करवाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि नोड कैसे प्रोग्रेस हो रहे हैं। अगर वो फॉल्ट ट्रांजिएंट था तो अब चला जाएगा वो फॉल्ट और हमारा लोको सामान्य अवस्था में कार्य कर सकता है। आप देख सकते हैं कि नोड प्रोग्रेस हो रही है, नोड बढ़ रही है। ये देखिए नोड 504 आने तक हम इंतजार करेंगे। 504 आ चुके हैं, ZPT दबाकर पेंटो उठाने की कमांड दी गई है और ये देख सकते हैं अब 570 आ गया है, डीजे भी क्लोज कर दिया गया था और अब इसको ट्रैक्शन लिया जाएगा। देख सकते हैं आप, ट्रैक्शन दे दिया गया है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। वो बॉल ट्रांजिएंट था, जा चुका है पोस्टिंग में लोको क्लियर करते हुए। कैसे VCU रीसेट फीचर को इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में बताया गया है। धन्यवाद।